हाय फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे से हैं फ्रेंड। और मेरा ब्लॉग्स बहुत दिनों पे मैंने ब्लॉग छोड़ दी हूँ, फिर भी मैंने ईद के जो शॉपिंग थोड़ा बहुत जो करी हो वो आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। तो मेरे बेटी बार बार कह रही थी, अम्मी वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, ईद पे वीडियो क्यों नहीं बना रही हो। तो मैंने सोची कि बना ले रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मैंने वीडियो छोड़ दी हूँ बनाना। तो चलिए, मैं बेटी के कहने पे आप लोगों से सब दिखाती हूँ और आप लोग हमारे ब्लॉग्स में बने रहें। चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या ली हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए। सब देख सकते हैं, ये चप्पल ले लेके भूख भाई जला रहे हैं। ये मेरा छुटंकी क्या है, ऐसे मत जलाओ, इसके ऐसे बैटरी ख़त्म हो जाता है। तो मैं दिखा दूँ, तो मैं शुरुआत करती हूँ अपनी छोटी बेटी से। तो छोटी बेटी के मेरे चप्पल देख ही सकते हैं, ये है मेरे छोटी बेटी के चप्पल और ये है मेरे बड़ी लड़की का। इनने कही जूती लूँगी, तो ये जूती है इसकी, आसिफा के मेरे देख सकते हैं। और मेरे ये दो लूबर है छोटी वाली के, तो दो लूबर ऐसे ले ली हूँ गर्मी के, मतलब का मतलब ऐसे पहनती रहेगी, कोई सा भी टी शर्ट रहेगा उस पे ये पहनेगी। तो सबसे पहले मैं इसी के कपड़े दिखाती हूँ आप लोगों से। तो देखिए बेटी के, एक ये है टी शर्ट, ये है बेटी का टी शर्ट, उस पे के ये पैंट है जो ये उठा के पहनने लगी, देख सकते हैं देखते ही कपड़ा। एक ये है इसके, एक जोड़ी ये है, ये गर्मियों में पहनती रहेगी। और जो जो मैं निकाल रही हूँ वो पहन रही है, वो देख सकते हैं। एक ही जोड़ी ये है इसकी, तीन जोड़ी इसके कपड़े हैं। देखिए एक ऐसे, एक ये मैंने ले रखी उसके लिए, तीन जोड़ी है इसके। तो इसका कपड़ा तो हो गया, और देखिए अब ये भी उठा के पहनने लगी, जो जो मैं उठा रही हूँ वो पहन रही है। तो चलिए अब मैं उसके बाद में मैं दिखाती हूँ आसिफा के कपड़े। मैंने ली इसके ये कपड़े, मैंने एक साइड अभी कर दी, तीन जोड़ी इसके और दो एक्स्ट्रा इसके, ये जो पैंट है ये है। और बेटी का कपड़ा किधर है आसिफा के, चलिए आसिफा का नहीं दिख रहा तो मैं अपना दिखाती हूँ। मैंने अपने लिए ये लाई हूँ, तो देख सकते हैं। रुक जा बेटी, ऐसे मत फैला, फिर भी बार बार काम पड़ रहा। तो फ्रेंड ये मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा ये ले रखी हूँ, ये फ्रॉक है और फ्रॉक है, बाकी ये मैं पहनूंगी तो ईद पे आप लोगों से दिखाऊंगी। ऐसे ही इसको रहन दे रही हूँ, क्या खोलूँ। तो इसका ये दुपट्टा है और इसका मतलब एक ही में के दुकान का कपड़ा है, तो एक ही इस पर ये सिला हुआ, हाँ तुम्हारा है, सब इसी का है, बस पूछे जा रही है मेरा है। तो देख सकते हैं इसमें पैंट पे मतलब ये ऐसा है, पैंट बना हुआ है ये। तो ये तो हो गया एक मेरा मेरा, और एक जोड़ी मैंने ये ब्लैक ब्लैक एक जोड़ी ये ले रखी हूँ। तो ये है मेरे प्लाजो, देख सकते हैं ये प्लाजो है। और ये है इस पे के जम्पर, प्लाजो पे के कुर्ता ये, और इस पे ये वाइट दुपट्टा। दो जोड़ी मेरा, दो जोड़ी हो गया, एक जोड़ी ये है। तो देख सकते हैं ये भी फ्रॉक, मैं फ्रॉक ही फ्रॉक ले रखी हूँ अपना। और तो इसके देख सकते हैं ये ऐसा है, और इसके आस्तीन ये ऐसे है, देख सकते हैं। तो और बाकी के खड़ा करके मैं दिखाती हूँ, मतलब बहुत झोल झोलोर है, मतलब जैसे कि घेर वाला बहुत अच्छा, इसका कट भी है अच्छा लगता लग रहा था ये देखते ही, मतलब दो तीन औरतें हम गए थे तो पसंद आ गया था। तो फाइनली मैंने अपना तीन जोड़ी दिखाई, एक जो है जो शॉर्ट वीडियो जो मैंने कल अपलोड करी थी, तो वो वाला एक जोड़ी मेरा था। मैंने चार जोड़ी ली थी, दो हल्के हल्के ली थी, दो थोड़ा सा मतलब
अच्छे थोड़ी सी दाम के हैं तो समझ ही सकते हैं। तो चार जोड़ी मेरा है और बाकी मैं बेटी को दिखाती हूँ। लेके बैठी हुई है, अम्मी मेरे दिखाओ, अम्मी मेरे दिखाओ। तो ये एक वीडियो में मैंने दिखाई थी, देखो खुद से दिखाने लगी हो। तो ये है इसके और इस पे के इसके गरारे हैं पकड़। तो ये है इसके गरारे। तो उसके ना एक ही जोड़ी ले रखी हूँ मैं, अभी जाने वाले हैं मायके। तो मैं सोच रही थी जो इसके लिए अभी दो तीन और लूँगी, तो अभी फ़िलहाल में एक ही है। और उसका आगे भी बनाई थी एक आध महीना पहले उसको बनाई थी, तो ऐसे ही जीन्स और टॉप लेके तो ऐसे ही रखा हुआ है। तो बाकी के वो इसमें है तो मैं अब अभी नहीं निकाल रही, जो अभी फ़िलहाल में ली हूँ वो आप लोगों से दिखा रही हूँ। तो उसका भी मतलब पहले का एक जोड़ी ले रखी थी, एक टी शर्ट ले रखी थी ये, और हाँ एक टी शर्ट और एक जीन्स और टॉप। तो उसका मतलब ढाई हुआ, तीन नहीं हुआ, तो उसका इतना है। और उसका जो सैंडल है वो मैं दिखाई दी, बाकी का चूड़ी, उसका चूड़ी और ये जो बालों में जो होता है क्या बोलते हैं हेयर बैंड वो वाला सब वो उसका बैग में रखा हुआ है। तो बाकी कल वो पहनेगी तो आप लोगों से दिखाएंगे। और बाकी जो बच्चों का कपड़ा मैंने वीडियो में पिछले वीडियो में दिखाई थी, बाकी और दिखाती हूँ। बाकी ये न्याज और गोलू का, ये है न्याज का और एक जोड़ी ये, दो दो जोड़ी है सबका। तो ये है न्याज का और ये है गोलू का, एक जोड़ी ये, तो दो है गोलू का। हाँ तुम्हारा तो दिखा दी मैंने, बस खाली अपने के चक्कर में लगी हुई है। तो दो दो जोड़ी सबका है तो देख ही सकते हैं। सो फ्रेंड, कढ़ाई वाला जो कपड़ा है फुल कढ़ाई, उसमें भी मेरे फ्रॉक में देखे ये ऐसे काम है और बाकी का बहुत अच्छा घेरा में मतलब फ्रॉक है वो वाला। तो मैं जो कल पहनूंगी तो पूरा लुक दिखाऊंगी आप लोगों से। और कढ़ाई वाला ना कपड़ा बिल्कुल लेने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत भारी भारी जो कपड़े हैं तो ऐसे पड़ा हुआ है। पिछले ईद के भी मेरे बहुत भारी क्या बोलते गरारा था, फ्रॉक वाला गरारा, वो भी ऐसे ही कोई काम का नहीं है, बस रखा हुआ है, कहीं जाओ आओ तो पहनो आओ। उसके उससे पिछले ईद के मैंने इतना भारी फ्रॉक ले लगी, टोटल 10 मिनट पहनी थी। तो वो सितारा उसमें और कढ़ाई है तो बहुत भारी है, बहुत भारी। तो उससे टोटल 10 मिनट पहनी थी, जब से ऐसे ही पड़ा। तो मैंने अब सोची कि मैं अब हल्के में लूँगी और उससे जब पहन सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसे कपड़े लिए। और बाकी के मेरे हस्बैंड के अभी कपड़े नहीं लिए हैं, अभी बाकी के खरीदारी, अभी मेरे सैंडल और उनके कपड़े अभी ले पाई हूँ, तो आज शाम को होगा। तो वो बुला रहे थे, हो सके मैं अभी पार्लर भी जाना है, काम भी ऐसे घर में का सारा साफ सफाई कर रखी हूँ, आप लोगों से दिखाती हूँ। तो मैं अभी पार्लर जाऊँगी, मेहंदी लगाऊँगी, तो हो सके तो मैं कह दूँगी आप ही उधर से जो भी सामान है तो लेते आओ, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो पार्लर वोलर जाऊंगी तो मैं आप सबसे शेयर करूंगी और दिखाऊंगी। तो चलिए मैं अपना कैसे साफ़ सफाई कर रखी हूँ, पहले अपना कपड़े को सेट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखते हैं सारा कपड़ा के यहाँ पे ढेर लग चुका है। पहले कपड़े को मैंने एक तरफ रखती हूँ, अरे पैर कैसे लग रहे, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों से दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड, ये जो है सब निकाल के मैंने सबको धुलाई करी, और कट्टा वट्टा जितना भी कट्टा था इस पे सामान था तो सब मतलब थोड़ा गंदा हो चुका था। और ये देख सकते हैं यहाँ तक ले मेरा ऐसे फैला हुआ था ये थोड़ा, तो ये बाहर लकड़ी का है ये वाला, तो बाहर था तो मैंने यहाँ पे रख के और सारा सामान ऐसे करके सेट करी। पहले इधर नीचे यहाँ पे ना इसके बीच में मैंने पानी रखती थी, तो अब यहाँ पे बाकी के सामान, यहाँ बैग वग मेरा धूल ओल से गंदा हो रहा था, तो यहाँ पे काफ़ी कम जगह है उसमें मुझे एडजस्ट करना है। तो मैंने यहाँ से बैग को उठा के और सारा साफ़ सफाई करके ऐसे करके मैंने ढक दी कपड़े से, जो ढका हुआ पहले नहीं था तो गंदा हो जा रहा था। तो देख सकते हैं सब मैंने बाकी के आज जितना भी था साफ़ सफाई मैंने कर ली, कल को ईद है तो इसलिए जो एक छोटा सा कमरा है, कोई अगर बैठेगा तो
मतलब सही दिखे। अभी चादर उधर चेंज नहीं करी हूँ, जो अभी है फ़िलहाल मैं कल सुबह में कर दूँगी। तो बाकी ये है, देख सकते हैं। और मेरा इधर है जो शॉपिंग का सामान जितना भी है, और इधर है कल उल पहनने वाला जो भी है, और बाकी के। तो फ्रेंड बस यही था बाकी के मेरा जो भी सामान। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, हो सके तो आप लोग एक कमेंट में बताइएगा मेरा सामान कैसे लगा, क्या बच्चा। और वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलूँगी कल ईद में। और आप सभी का ईद मुबारक हो, और कल मिलते हैं आप सब से। तो चलिए बस, यह मेरे वीडियो को दिल करे तो प्यार दीजिएगा।